पूरी दुनिया को ये बताया गया है कि सहदेव का एक्सीडेंट हुआ है, और अगर हम ये कहेंगे कि सहदेव का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उन्हें मारने की साजिश की है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं आपको पूरा सबूत दूंगा। एक वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल चल रहा है, और वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सहदेव का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनको मारने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, और ये साजिश लंबे वक्त से चल रही थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर सहदेव को कौन मारना चाहता है, सहदेव का एक्सीडेंट हुआ है या फिर उनका एक्सीडेंट कराया गया है, ये तमाम चीज़ें आप सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि बादशाह ने सहदेव के एक्सीडेंट पर एक बड़ा बयान दे दिया था। आखिर वो बादशाह का वो कौन सा बड़ा बयान है जिसके बाद से पूरी तरह से सनसनी मची है? मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी। इससे पहले आप जान लें कि बादशाह ने सबसे पहले सहदेव को लेकर क्या कहा था। बादशाह ने साफ तौर से कहा था कि सहदेव के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो हम पे करेंगे। ये तमाम चीज़ें लोगों को पता है, लेकिन आज हम वो सच्चाई सामने आपके लिए लेकर आए हैं जो सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, सहदेव के एक्सीडेंट पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि सहदेव को मारने के लिए एक लंबे वक्त से साजिश चल रही थी, और एक्सीडेंट के दौरान आखिर क्या हुआ, एक्सीडेंट का आखिर वो कौन सा वीडियो है, और एक्सीडेंट के वक्त वहाँ कौन कौन से लोग मौजूद थे, और किन लोगों ने सहदेव को उठाकर अस्पताल में पहुँचाया, ये सारे सबूत सारे गवाह हम आपके लिए लेकर आए। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि सहदेव के एक्सीडेंट पर ये सारे सवाल खड़े क्यों उठे हैं। सहदेव के एक्सीडेंट पर आखिर कौन सा सवाल खड़ा हुआ है? आपको हम बता दें कि मीडिया में ये खबर चल रही है, जब सहदेव शहर से अपने गांव लौट रहा था तो वो अपने पिता के साथ लौट रहा था। बाइक उनके पिता चला रहे थे, सहदेव पीछे बैठा हुआ था। एक्सीडेंट सड़क पर रेत की वजह से हुआ था, और फिर रफ्तार भी थी गाड़ी, और रोड पर रेत की वजह से टायर फिसल गया और एक्सीडेंट हो गया, और सहदेव को सर पर गंभीर चोट आई। लेकिन दोस्तों ये साफ तौर पर गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि सहदेव के पिता ने क्या कहा। सहदेव के पिता ने साफ तौर पर से कहा है कि एक शख्स सहदेव के साथ शहर से गांव की तरफ गया था, यानी कि यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि सहदेव के पिता बाइक नहीं चला रहे थे और सहदेव के पिता सहदेव के साथ नहीं थे। आप यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, मीडिया कह रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो जो इंसान बाइक चला रहा था आखिर वो कहाँ है, वो कौन है, वो शख्स आखिर उनको चोट लगी है या फिर नहीं लगी है, या तो वो अस्पताल में भर्ती है या तो फिर वो फरार है, ये तमाम सारे चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको हम बता दें कि सहदेव के पिता ने उस शख्स का नाम भी नहीं लिया है अभी तक जो सहदेव के साथ शहर से गाँव की तरफ लौट रहा था। हो सकता है कि सहदेव के पिता को उन लोगों ने धमकी दी है। जी हाँ, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है, और वक्त बीतने के साथ साथ सच्चाई भी अभी सामने आ रही है कि बाइक चलाने वाले शख्स को चोट क्यों नहीं लगी। क्या सहदेव के एक्सीडेंट को दुर्घटना की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, या सारी बातें सामने आ रही है? दोस्तों सहदेव एक गरीब घर का लड़का है जिन्होंने बचपन का प्यार गाना गाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, और पहचान बनाने के बाद बादशाह ने भी उनको अपने साथ गाने का बड़ा मौका दिया था। लेकिन सहदेव के एक्सीडेंट के वाक्यों में सब लोगों को चकित कर दिया है, और वक्त बीतने के साथ साथ सारी सच्चाई सामने आ रही है। दोस्तों इंटरनेट कब किन की ज़िंदगी बदल दे ये किसी को पता नहीं होता है। एक मजदूर का बच्चा आज अपनी आवाज़ के जरिए पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, यही बड़ी वजह है कि कई सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, और सहदेव के न चाहकर भी कई सारे दुश्मन बनने लगे। अब सारे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं दोस्तों वक्त बीतने के बाद। दोस्तों हम आपको वो सारे आने वाले नाम और बातें और सबूत दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।